दोस्तों नमस्ते, आप सब जानते हैं कि बिहार के प्लस टू स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसको लेकर के हर हाल में 5 मई 2018 तक खाली पड़े पदों का ब्यौरा सौंपना था सभी जिला के डीओ को, लेकिन आप देख सकते हैं कि 16 जिलों ने नहीं भेजी अतिथि शिक्षकों की रिक्तियां। ये मुजफ्फरपुर का न्यूज है। अतिथि शिक्षक की रिक्तियां भेजने में आनाकानी करने पर कार्रवाई की चेतावनी का जिले के 16 स्कूलों के हेडमास्टर पर असर नहीं दिखा। शनिवार को रिक्तियां भेजने का अंतिम दिन 43 में 27 स्कूलों से ही रिक्तियां जिला शिक्षा कार्यालय में भेजी गई। इससे पहले भी 3 बार पत्र जारी करने के बावजूद 43 स्कूलों ने शिक्षकों की रिक्तियां नहीं भेजी थी। डीओ ललन प्रसाद सिंह ने 43 स्कूलों के हेडमास्टर को पत्र जारी कर 24 घंटे के अंदर रिक्तियां की सूची मांगी थी। इसके बाद आप देख सकते हैं जिला स्कूल में होगी बैठक। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लेकर के 8 मई को जिला स्कूल के डीईओ ललन प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। यह है कि जो भी स्कूल अभी तक खाली पड़े पदों का ब्यौरा अभी तक नहीं सौंपा है वो कब तक सौंपते हैं और इसके खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेती है। तो दोस्तों इस न्यूज में बस